हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो हम जा रहे हैं नेपाल। कौन सी जगह थी वो? भेरवा, भेरवा लुम्बिनी। तो हम करने वाले हैं वहाँ पर इवेंट। और सबको वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस डे। और जाएंगे अब, करवाएंगे हम चेकिंग, रखेंगे हमारा सारा लगेज और बैठ जाएंगे फ्लाइट में। प्रस्थान करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, प्रस्थान, प्रस्थान करेंगे हम फ्लाइट की तरफ। और कुछ ही समय में हमारी फ्लाइट आने वाली है। हिंदी भी टूटी फूटी है मेरी तो। बढ़िया लग रहा है, लाज अच्छा है। सो गाइस हम गोरखपुर पहुंच चुके हैं और अब हम यहां से जाएंगे गाड़ी से नेपाल। यहाँ से कम 2 घंटे का रास्ता है और उसमें हम सो जाएंगे। फिर पूरे रास्ते सोते आए, आगे भी सो जाएंगे। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाली हूँ। आज हमारे नवीन ने पहली बार एयरपोर्ट में और फ्लाइट का मज़ा लिया है। तो बताएं आपको कैसा लगा? मस्त लगा एकदम। तो डर वर तो नहीं लगा? ना ना बिल्कुल। हाँ, और जब यूं होती है तब एक और भाई रह गया, बड़ा भाई। ये तो घूमता रहता है मेरे साथ। तेरा पहली बार है ना? नहीं, ब्लॉग में ये बड़ा भाई रह गया था ना। अरे कुछ तो बोल। मेरे को शौक नहीं है यार ब्लॉग बनाने, तुम फालतू परेशान करते हो यार। अरे मैं नवीन को बोल रही हूँ। तू पहली बार बैठा, तू बता। तेरा जी घबराया, उल्टी जैसा मन किया तेरा, क्या हुआ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल मस्त एकदम। तो गाइस आपने देखा, वो होगा भी तब भी उसने मना कर दिया है। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। और उसको मजा आया। डर रहा है? ना, डर थोड़ी रहा हूं। उसको मजा आया। बट ऐसे ये है कि हम यहां पे आए तो एयरपोर्ट काफी छोटा है। आर्मी एयरपोर्ट, बस वालों से भी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी यहां पे। आर्मी एयरपोर्ट था ये वाला एयरपोर्ट है। ये क्या दिखेगा, ऐसे पीछे दिखा दे, भीड़ दिख जाएगी। हां भीड़ देख सकते हो। अब कहाँ पहुँच चुके हो? रेस्टोरेंट रुके हैं खाना खाने के लिए, बाकी फुल टाइड हो गए। पट्टा कट्टे जवाब देंगे। कहाँ पहुँच गए फाइनली? फाइनली पहुँच चुके हैं। अब हमारी हालत तो देख सकते हो आप। कहाँ पहुँच गए? बॉर्डर पार करके नेपाल। नेपाल, नेपाल में हम आ चुके हैं। और ये रहा हमारा होम। होटल का नाम क्या है? मोरिया, गणपति बापा मोरिया। चलो ठीक है। अच्छा है, नई जगह का जूस। नहीं, नई कंट्री का जूस। खट्टा भी हो सकता है ये, तबीयत खराब होने के बाद। खट्टा नहीं, मीठा है। फाइनली रूम में जा रहे हो। हाँ। थोड़ा रेस्ट करोगे ना? थोड़ा क्या, पूरा ही करेंगे गोरखपुर से। तो थोड़ा 95 किलोमीटर।
वहाँ से आगे से भी तो हम बैठे हुए जाते हैं दिल्ली हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से फिर यहाँ अब बताओ रूफटॉप स्विमिंग पूल यहाँ पे आपका रूम होगा जो हमारा एग्जीक्यूटिव सूट है दिख रहे हैं नहीं और ये है हमारा रूम बढ़िया एक नंबर देखते दिल खुश हो गया ओके मैम थैंक यू और बालकनी भी है मैम हां हां ठीक है वॉशरूम इधर है मैम सभी सो यूजर नेम एंड पासवर्ड मैम ये तो इंपॉर्टेंट ही है वाईफाई सो लॉगिन क्योंकि वही सिम में बंद हो गई है हमारी हां सिम तो बंद हो गया ठीक है मैम ठीक है थैंक यू ओके वेलकम मैम ओके वेलकम सर बाय बाय हे गाइस तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं होटल मोरिया में और अब हमारा प्रॉपर रेस्ट अब होगा और काफ़ी टायर्ड हो चुके हैं और सोच रहे हैं एक ब्लैक कॉफ़ी पी लेते हैं देखते हैं बाहर कौन आया है खुलो ज़रा अच्छा यह है जंगी देखने तो मैडम पहुंच चुकी है और रूम वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और लग्जरी है ये रूम की शुरुआत है और ये बेडरूम वाला कूद जाओ बैठ के नहीं मैं वॉशरूम भी अच्छा है जकूजी है इसमें मजा करेंगे जकूजी में हे गाइस गुड इवनिंग और अब हमारा होने वाला है मेकअप फाइनली और इनको 5 बजे का टाइम दिया गया था और ये एकदम अपने टाइम पे आ गए मतलब अधिकतर होता है ना कि थोड़ा बहुत आगे पीछे पड़ी है पूरा प्रॉपर टाइम पे आए और किसमिस डिसमिस भी किया और बोला सब पीटी हो आप थोड़ा नाम ये खुद बताएंगे और अपना इंट्रोडक्शन देंगे अपना है और मैं ये भैरवा की रहने वाली हूँ और मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ यहाँ का अच्छा अच्छा तो ये सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है और तो हमारा भी आज ही मेकअप करने वाले हैं और मस्त वाला लुक देने वाले हैं क्योंकि इनका जो आईब्रो देख सकते हो आप ये आईब्रो जो बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को भी ऐसा ही करवाना है ठीक है देखते हैं कैसा है मेकअप ठीक है बाय बाय
इनका करेगा क्या, तुम बना तो रहा है टॉन टॉन कर। हेलो गाइस, तो डेफिनेटली हम रेडी हो चुके हैं और सपना जी ने कतई बेहतरीन मेकअप किया, बेहतरीन देख रहे हो, बिल्कुल रेड चेरी लग रही हूँ। yes, और आज क्रिसमस डे है तो मैं आज के दिन पूरी रेड लग रही हूँ। तो आप सबको क्रिसमस डे, अब करेंगे हम डांस और करेंगे परफॉर्म और सपना जी देखेंगे हमारा कहीं से लुक हुआ तो नहीं है डाउन और करेंगे हम सबको इंटरटेन। सपना जी बताएंगे आज कैसा लगा हमारे साथ। और बहुत अच्छा। तो ये नेपाली में बोल के दिखाएंगे, जरा बताइए नेपाली में बोल के। एकदम राम लगाएंगे भाई, खुशी लायो, थैंक यू सो मच। तो हमें भी समझ में नहीं आया, वो कहते हैं आपको समझ में आ जाएगा, कुछ नेपाली भी होंगे हमारे फैंस तो उन सबको भी समझ में आ जाएगा कि हम नेपाल में हैं। और अगर कोई यहाँ आस पास है तो आप आ जा, करते हैं फुल इंडिया। ठीक है, बाय बाय। हेलो। तो अब हम जाने वाले हैं स्टेज पे और करने वाले हैं खूब सारा धमाल और काफ़ी बेकाबू हो रहे हैं हमें सब देखने के लिए और हम सबको देखने के लिए। तो देखते हैं आज का प्रोग्राम कैसा हो। आई होप वैसे तो अच्छा ही होता है हर बार, पर मैं चाहती हूँ कि इस बार भी और अच्छा हो और पब्लिक का बहुत सारा प्यार मिले। तो मिलते हैं अब इवेंट के ही अंदर। ठीक है भाई, ये सिक्योरिटी का सेगमेंट है, यही आपको सिक्योरिटी देंगे एकदम। तो आज का हमारा इवेंट हो चुका है और फुल सक्सेसफुल, काफी मजा आया हम सबको, पब्लिक को भी और मुझे भी। और हमारा ये आ गया है रूम, तो अभी के लिए टेक केयर। अच्छा, ये वाला रूम चला तेरे नाम। ठीक है, फिलहाल मेकअप, अब करेंगे मेकअप रिमूव। ये हमारे बाउंसरों ने यहाँ से निकलते ही अब कुछ खाएंगे ना। अच्छा अच्छा खाएंगे, अच्छा अच्छा दिल्ली वाला जायका। तो मेरी आवाज़ अभी भी खराब है, मेरी तबीयत।